गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस टीजीटी बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर 2016। ये एग्ज़ाम जुलाई 2021 को कंडक्ट किया गया था। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं जो जीआईसी एग्जामिनेशन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा कि ट्रेंड चला आ रहा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ ए लाइकेन। तो इसमें जो लाइकेन है वो है आइसलैंड मॉस, फिर है अमोनोकार शोइंग मॉलेस सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम इज, तो कौन सा होता है, वो होता है ड्रेसिनिया, फिर है इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज इंक्लूडेड इन, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट किस में इंक्लूड हुआ है, तो वो होता है ओरिएंटल रीजन के अंदर, फिर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स रूट नोड्यूल्स आर नॉट फॉर्म्ड बाय राइजोबियम, तो राइजोबियम जो है कौन से रूट नोड्यूल्स नहीं फॉर्म करता है किस में, वो होता है कसुराइना ग्लाइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिनेस। तो हीमोग्लोबिन का जो है डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, वो होता है सिग्मॉइड होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। फिर है नर्व सेल्स आर फाउंड, तो नर्व सेल किस में पाई जाती है, नर्व सेल जो पाई जाती है वो पाई जाती है रिक्सिया में। विच स्पीसीज ऑफ पैरामीशियम हैज़ सिम्बियोटिक एल्गी जू क्लोरेला, तो जू क्लोरेला जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किस में, बर्स एरिया में शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ऑर्चिल अ ब्लू डाई इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो ऑर्चिल कहाँ से ऑब्टेंड होता है, वो होता है सिट्रेरिया आइसलैंडिका से। हु इंट्रोड्यूस द टर्म ब्रायोफाइट फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ब्रायोफाइटा टर्म जो है किसने फर्स्ट टाइम यू किया था, ये किया था ब्रॉन ने, इन्हीं के नाम से पढ़ा ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डी सेल्स एंड डी टू एफ सेल्स ऑफ पेंक्रियाज रेस्पेक्टिवली सिक्रीट, तो ये कौन सा जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये करते हैं पेंक्रियाटिक सोमेटोस्टेटिन एंड पॉलीपेप्टाइड। फिर है इन पी एस्टिवेशन ऑफ पेटलसिस, तो पी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन पाया जाता है। फिर है मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस ऑफ, तो मॉर्फोलॉजिकल डायमॉर्फिज्म किस में पाया जाता है, वो है ओडिगोनियम में, सी ऑप्शन सही है। फिर है क्विनिन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया फीवर इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो क्विनिन कहाँ से ऑब्टेंड होता है, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री से। परकिंजे फाइबर्स कहाँ फाइंड होते हैं, वो होते हैं सी ऑप्शन सही है, हार्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द एनिमल डजेंट हैव एन एलिमेंट्री कैनाल, तो टीनिया में जो एलिमेंट्री कैनाल नहीं पाई जाती है। कैम प्लांट्स एट नाइट प्रोड्यूस, तो कैम प्लांट्स मैलिक एसिड प्रोड्यूस करता है नाइट में। और फिर है एंडोथीलियम इज रिलेटेड टू, तो एंडोथीलियम इन अ मोस्ट इंटेगमेंट ऑफ ओव्यूल से रिलेटेड है। टी एच मॉर्गन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर द मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन जेनेटिक्स, ड्रोसोफिला पर इन्होंने काम किया था। फिर है गैमिटेंजियल कॉपुलेशन, गैमिटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, तो जाइगोमाइसिटीज में होता है। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज इन साइकस ओव्यूल इज हैप्लॉइड, तो एंडोस्पर्म होता है उसका हैप्लॉइड, सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ई सब गोल इज ऑब्टेंड फ्रॉम, तो प्लांटेगो ओवेटा से ऑप्टेन का होता है। फिर है इन एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस शेलिक, तो शेलिक कौन प्रोड्यूस करता है, लैसीफेरा लैका। फिर सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव होता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल, तो एज ऑफ मैमल सीनोजेइक एरा होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन, तो इसमें बोन्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। कॉमन रॉक पिजन डजेंट बिल्ड नेस्ट ऑन, तो कॉमन रॉक पिजन जो होता है वो ट्रीज पर नेस्ट अपना नहीं बनाता है। फिर है क्रोमेटिड्स जॉइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमेयर आर कॉल्ड, तो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लोम सॉयल द प्रोपोर्शन ऑफ सॉयल पार्टिकल इज, तो कितना होता है 50% सैंड प्लस 50% क्ले और सिल्ट और बोथ, तो डी ऑप्शन सही है। 29 देखते हैं द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो स्पर्म की टेल जो आपकी ऑफिशियल की में आंसर था वो था डी ऑप्शन सेंट्रियोल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, तो कौन सा है डोमेस्टिक वेस्ट सीवेज, ये डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होता है। एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन, तो एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सेरेटम में होता है। द फिनोमेना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, तो ये एस जी नवाश्चिन चिन ने जो डबल फर्टिलाइजेशन दिया था। वन ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिकल एग्जाम्पल वॉज यूज बाय लैमार्क टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स एंड इनहेरिटेंस, तो उन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल लिया था।
नेक्स्ट है द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकेरियोट सेल्स आर मूव्ड बाय, तो बोथ एक्टिन फिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूबुल्स, ये इसका सही आंसर था ऑफिशियल की में। राइजोफोर इज फाउंड इन, तो राइजोफोर सिलैजिनेला में पाया जाता है। और चेलाइजोगेमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, तो ये कसुराइना में होता है। क्लोरोप्लास कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ, तो क्या होती है इसमें मैक्सिमम क्वांटिटी, RUBP कार्बोक्सिलेज की होती है। एक सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन, तो एगेरिकस में नहीं होता है। ये पूछा गया था कि ग्लाइकोलिसिस में कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ये ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू हैं। फिर है इन पेलिमॉन द स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेज, तो एंटेन्यूल में होता है। विच टाइप ऑफ जॉइंट्स आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ रॉक फ्रॉम द फॉलोइंग, तो इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फिर है द ब्लड ऑफ एरिडिमा इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें सलाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेंट, सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू ग्लूकोज, द पीएच ऑफ सलाइवा इज अबाउट 3.4, क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, तो 1 और 4 इसमें करेक्ट हैं, यानी सलाइवा एक्ट एज ए लुब्रिकेंट और क्लोराइड आयंस आर एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, बाकी फॉल्स हैं 2 और 3। नेक्स्ट है पायला इज अडेप्टेड टू लीड, तो एम्फीबियस लाइफ को लीड करने के लिए वो अडेप्ट होता है। फिर अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब इन द, ये कहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में, 45 का ये सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफ द इंसेक्ट विच टेक्स इट्स फूड आफ्टर लिक्विफाइंग, तो लिक्विफाई करके कौन फूड लेता है, हाउस फ्लाई लेता है। कोहर्ट ऑफ बेंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे ऑर्डर, ये कोहर्ट बेंथम हुकर का किसके इक्विवेलेंट है, ऑर्डर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द रेंडियर मॉस, तो क्लैडोनियल क्लैडोनिया रेंजिफेरा। विच फंजाई कैन डिटेक्ट कॉपर इन ट्रेसेस एंड यूज्ड इन बायो एसेज, तो एस्परजिलस नाइजर होता है। द एंजियोस्पर्म वे डेवलप्ड इन सीनोजोइक एरा में डेवलप हुए थे एंजियोस्पर्म। ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग टू सिस्टर्ने ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड एट टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ प्लाज्मो डिस्मेटा आर कॉल्ड एज, इसको डेस्मोट्यूब्यूल्स कहा जाता है। द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग इको सिस्टम कह देते हैं। ये क्या है, टिनेडियम ऑफ यूनियो आर विच टाइप, तो टिनेडियम ऑफ यूनियो होता है यूला मेरी ब्रेंच। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कम्पोज ऑफ, तो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल ए बी एंड बीटा कैरोटीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलेक्स इज मॉडिफाइड इनटू पेपस, तो कंपोसिट में होता है। होमोलॉगी इंडिकेट्स होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये दोनों होता है। ये आपके ऑफिशियल की में यही आंसर था सी। द प्रेजेंस ऑफ बोन इज एन यूनिक कैरेक्टर ऑफ, तो वर्टिब्रेट का यूनिक कैरेक्टर है। इन ऑरेलिया एंड द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न्स थ्रू, तो पेरिडाई एंड इंटरिडाई के थ्रू होता है। मॉर्फोलॉजिकली एंड टमीबा हिस्टोलिटिक अकर्स इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, तो 3 फॉर्म्स में वो जो है अकर्स होते हैं। नेक्स्ट है द कॉजेज ऑफ सेरेब्रल मलेरिया इज प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम से होता है। फिर इलेक्ट्रो न्यूट्रैलिटी ऑफ ब्लड इज मेंटेन बाय द हैमबर्गर्स फिनोमिना, इसको कहा जाता है। ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड पॉलिटीन क्रोमोसोम, तो ईजी बाल्बियानी ने इसको डिस्कवर किया था। 63 है यूरोमेस्टिक्स इज कॉमनली नोन एज, उसको स्पाइनी टेल लेजार्ड कहा जाता है। इन स्कोलोडियन द वर्क ऑफ एम्पुला ऑफ लोरेंजिनी इज थर्मो रिसेप्टर, वो होता है। नेक्स्ट है मोटाइल सेल्स विद फ्लैजिला आर ऑल टूगेदर एबसेंट इन, तो किसमें होता है, सैनोफाइसी में। अ कैविटी फॉर्म्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम ट्रैकीड इन एक्विसिटम इज, तो ये होता है केरिनियल कैनाल में। फिर ऑफ द फॉलोइंग विच गैस प्रोड्यूसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो CO2। नेक्स्ट है न्यूपिडिना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का का ये कनेक्टिंग लिंक है। नेक्स्ट है सैपवुड इज ऑल्सो नोन एज, तो अल्बर्नम इसको कहा जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एम्बर, तो UAG को एम्बर कहा जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, June 5 को सेलिब्रेट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो ये मोनोसैकेराइड फ्रक्टोज, पॉलीसैकेराइड सेलुलोज और डाइसैकेराइड गैलेक्टोज, ये करेक्टली मैच नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज बाय, तो ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द ग्रुप एम्ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइट होता है। इन विच फॉर्म द नाइट्रोजिनस वेस्ट इज डिस्कार्डेड बाय द नेफ्रिडिया ऑफ नेरिस, तो अमोनिया होता है। गर्डल लीफ ट्रेसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो साइकस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल फॉर फ्रूट राइपनिंग, तो इथाइलिन होता है। नेक्स्ट है, इन माइक्रोस्पोरेंजियम टेप्टम इज जनरली कितनी लेड होती है, 1 लेड होती है। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपटीशन वॉज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो TR माल्थस से लिया गया था। क्लेवेज इन फ्रॉग इज होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल क्लेवेज होता है। ऑफ द फॉलोइंग विच इज फिनोलिक हार्मोन, तो एड्रेनलिन होता है। हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ वीट इन इंडिया, तो KC मेहता ने इसको डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है, सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज कॉल्ड, तो क्रिसार्ड उसको कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द नो प्लस लार्वा, दो बोथ एंटीना एंड मैंडिबल्स आर बायरेमस, तो ये ट्रू है। बेट्रॉइडल टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो ये है हिरोडेनिया डेनेरिया का होता है, तो हिरोडेनेरिया इसका करेक्ट आंसर है। डैश इज द सिंथेटिक ऑक्सिन, तो नेप्थलीन एसिटिक एसिड इसका सिंथेटिक ऑक्सिन होता है। नेक्स्ट है, रो फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA मॉलिक्यूल इज, तो वो प्रोटीन होता है। सम ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड, तो उनको यूरिथर्मल कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजिशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो क्लोरी इज मोनोट्राइकस होता है। फिर कैलेप्टरा इन मार्केंशिया डेवलप फ्रॉम, तो किससे डेवलप होता है, वो होता है वॉल ऑफ द वेंटर से। 91 है, इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफाइंड एज, तो डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन अ फूड वेब हाइनाज एंड वल्चर्स आर, हाइनाज और वल्चर्स क्या होते हैं, ये स्केवेंजर्स होते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश, तो एक्सोसीटस होता है। ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, तो हार्डमानिया होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अपराइट पिरामिड, तो एनर्जी का पिरामिड अपराइट होता है। आपकी ऑफिशियल की में यही आंसर था। तो द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसिलेरी ऑफ स्टारफिश इज क्लेंजिंग, होता है ए ऑप्शन सही है। जीनोफोर इज द नेम ऑफ DNA ऑफ बैक्टीरिया को कहा जाता है जीनोफोर। एलेटर्स ऑफ मार्केंशिया आर डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। इफ ह्यूमन ब्लड मिक्सचर विद एन एंटीकोगुलेंट इज सेंट्रीफ्यूज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल सेटल फर्स्ट एट द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, तो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वल स्टेज ऑफ एशियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वी, तो सर्केरिया होता है। द सिनोसार्क ऑफ ओबेलिया इज ट्यूबुलर इन लिविंग होता है। अर्लीस्ट एविडेंसेज ऑफ सोशल लाइफ आर एट्रीब्यूटेड टू क्रोमैग्नॉन मैन, ये ऑप्शन सही है। द इक्वेशन लैक्टेट एलिनिन ग्लिसरॉल ग्लूकोज रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट एंड फाइनल मोल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर्स इन इंटेस्टाइन में होता है। बोटैनिकल नेम ऑफ रोजवुड इज, तो ये ऑप्शन सही है, डेलबर्जिया लेटिफोलिया। इन अ टिपिकल टेस्ट क्रॉस अ प्लांट शोइंग डोमिनेंट फिनोटाइप इज क्रॉस विद अ प्लांट शोइंग डैश फिनोटाइप, तो रेसेसिव होता है। द लीथल जीन्स आर लार्जली रेसेसिव हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द होमोजाइगस स्टेट में होता है, सी ऑप्शन सही है। व्हील ऑर्गन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, तो एम्फियोक्सिस में होता है। पावर ऑफ रीजनरेशन स्पॉन्जेस इज ड्यू टू अमीबोसाइट सेल की वजह से होता है। क्वाड्रीफ्रैजिलेट कंडीशन ऑफ ज़ूस्पोर इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स में होता है। दी ओविलीफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज अ पार्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल का पार्ट है। इन्वर्टेड कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल इज फाउंड इन निकटेंथिस में होता है। द न्यूक्लियोस्पोम कंसिस्ट ऑफ DNA प्लस हिस्टोन। नेक्स्ट है, लीव कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज बाय, तो ये वायरस से होती है। प्लेकिया स्टेज इज फाउंड इन द साइकिल ऑफ
वॉल बॉक्स में होता है। द माउथ पार्ट्स ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव मैक्सिली एंड मैंडिबल नहीं पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच, तो पल्सेटाइल वेसिकल एबसेंट होते हैं इसमें। नेक्स्ट है होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पीसीज हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इनको कहते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज नॉट प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइजर इज गैलिक एसिड। प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फियोक्सिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से होता है, पैसिव मैक्रोमेयर की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, तो डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन सल्फर एंड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश किसका होता है, गोल्गी अपरेटस। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गोल्गी अपरेटस इज पैकेजिंग ऑफ मटीरियल टू डिलीवर टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और टू सीक्रेट आउटसाइड द सेल, तो बी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट वायरसेस, तो वायरसेस के लिए कौन सा करेक्ट इनकरेक्ट है, वायरसेस आर सेफ्रोफिटिक, तो सेफ्रोफिटिक नहीं होते हैं वायरसेस। इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म बाय, तो फंजाई के द्वारा ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस, तो सेग्रीगेशन नहीं होता है। तो ये आपके TGT के 125 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये ऑफिशियल की से आंसर थे, हो सकता है कि एक दो आंसर में बाद में जो है कुछ क्लेम किया जाए, तो हो सकता है एक दो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वो अपनी वेबसाइट पे उसको जो है अपलोड करेंगे, तो हम लोग उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे। तो आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।